मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत डर कर नहीं, बहुत संभल कर मैं एक ऐसे शायर को आपके हवाले कर रहा हूं, माइक पे आने के लिए गुजारिश कर रहा हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मोहतरम मेराज आजमी, ये बहुत खूबसूरत नाम है, ये खलाक फनकार है जो आपसे रुजू होना चाहता है। मेराज आजमी को जब तक जब जब मैंने सुना, मुतासिर हुए बगैर नहीं रहा। और आइए शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। तमाम तारीफें उसकी जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है, उसके इल्म पर किसी को दस्तरस नहीं। आगाज तेरे नाम से है कार साजे दो जहां, रहमा तेरी सबसे बड़ी, तू सबसे बढ़कर मेहरबान। आगाज मुशारा उस खल्लाक आजम के नाम, जिसने जमीन सा फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, महर माँ की कंदिलाएं आवेजा की, कि खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, कोई कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, कोई कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी, मेहरबा हो तो हर कतरा यहाँ तालाब हो जाए। उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती है, जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। आगाज मुशारा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम, जिसने नजर दी, नजारे दिए, दरिया दिए, किनारे दिए, वही खुदाए लम यज़ल, वही खुदाए बहरुबर। मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। आइए खुदा की बेपनाह हम्द व सना के बाद उसके हबीब का तज़किरा वाजबी हो जाता है, लाजमी हो जाता है। उसके हबीब का तज़किरा साहिब जमाल की बारगाह में हम रात भर खराज तहसीन का नजराना पेश करेंगे कि नूर पे मुझको नूर लिखना है, नूर पे मुझको नूर लिखना है, जिंदगी में जरूर लिखना है। आसमां चांद का वरक दे मुझे, उस पे नामे हुजूर लिखना है। आसमां चांद का वरक दे मुझे, उस पे नामे हुजूर लिखना है। आइए नाते पाक के सिलसिले का हम आगाज कर रहे हैं, और मेराज आजमी साहब की शक्ल में पहला शायर। मैं चार मिसों से आवाज दे रहा हूं, बच्चे अब आप लोग समाप्त करिएगा। बहुत ही प्यारे लबो लहजे का बेहतरीन शायर आपके हवाले आ रहा है, आप खामोशी से सुनिएगा, इसकी उसकी तरफ ना देखें। आप हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिएगा, शेर जब मुकम्मल होगा। मैं चार मिसों से आवाज दे रहा हूं कि ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई, फूलों को हुस्न हज़रत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। आइए साहिब जमाल की बारगाह में खराज तहसीन का खूबसूरत नजराना पेश करने के लिए मेराज आदमी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाए। दरख्वास्त कर रहा हूँ, इल्तजा कर रहा हूँ, पहला शायर है, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दे, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह, मेराज आदमी साहब माइक। मौजूद सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों मैंने आपको सलाम किया लेकिन कहीं से सलाम का जवाब मिला नहीं। दोस्तों जी लगाकर जवाब दीजिए, सलाम कर रहे हैं, सलाम कर जवाब दीजिए आप। फिर से करना पड़ेगा क्या? दोबारा करता हूँ, देखता हूँ कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग कहाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ अब लगा ये जिंदों की महफिल है। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए नात पाक का मतला पेश करता हूँ, बतौर खास समात फरमाए। ना इधर जाओगे ना उधर जाओगे, ना इधर जाओगे ना उधर जाओगे, ना इधर जाओगे ना उधर जाओगे, तुम तो बस कमली वाले के घर जाओगे, तुम तो बस कमली वाले के घर जाओगे। ना इधर जाओगे ना उधर जाओगे, तुम तो बस कमली वाले के घर जाओगे, जिंदगी में बड़ा काम कर जाओगे, जिंदगी में बड़ा काम कर जाओगे, इश्क सरकार में जो तुम मर जाओगे, इश्क सरकार में तुम जो मर जाओगे, इश्क सरकार में तुम जो मर जाओगे।
बहुत अच्छे साहब। तुम शफी उल वरा क्यों हिफाज, तुम शफी उल वरा को खफा मत करो, तुम शफी उल वरा को खफा मत करो, वो खफा हो गए तो किधर जाओगे, वो खफा हो गए तो किधर जाओगे, कब बुलाएंगे शाहे तो आलम तुम्हें, कब बुलाएंगे शाहे तो आलम तुम्हें, तुम कहो कब मदीना नगर जाओगे, तुम कहो कब मदीना नगर जाओगे। वाह 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 वाह, जाने कितनी मुबारक वो होगी घड़ी, जाने कितनी मुबारक वो होगी घड़ी, जिस घड़ी तुम मोहम्मद के घर जाओगे, जिस मोहम्मद के घर जाओगे, जिस घड़ी तुम मोहम्मद के घर जाओगे। जनाब राही बस्तवी साहब, इल्म व अदब की यूनिवर्सिटी हमारे दरमियान तशरीफ ला रही है। सच्चा आशिक के रसूल, खादिम उर्दू ज़बां, गुज़िश्ता 52 सालों से उर्दू की खिदमत अंजाम देने वाला शायर, हमारा असासा, हमारे बुजुर्ग मोहतरम मोहतरम राही बस्तवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। उससे पहले जमील खैराबादी साहब विराजमान हुए, गुज़िश्ता 4 दहाइयों से उर्दू की गाब खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप तमाम दोस्तों के दरमियान बहुत ही बाविकार शायर मेराज आज़मी साहब को गुजारिश है। दोस्तों ये सुनने का तरीका नहीं है, आप दाद और तहसीन से नहीं नवाज रहे, कोई दुनिया का शायर पढ़ी नहीं पाएगा। जब शेर मुकम्मल हो आप हाथ उठाकर दाद और तहसीन से नवाज दे, वाह वाह कर दिए, शायरी की यही उजरत है। मेराज आज़मी साहब माइक पर। हो के दीवाने अल्लाह के नाम के, हो के दीवाने अल्लाह के नाम के, नाम ऊंचा जमाने में कर जाओगे, बहुत अच्छे साहब, वाह 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 में कर जाओगे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। है खबर गर्म दुनिया में मेराज, ये मक्ते का क्या बात है, क्या बात है, पढ़िए पढ़िए। है खबर गर्म दुनिया में मेराज, ये है खबर गर्म दुनिया में मेराज, ये आज तुम शहर खैरुल बशर जाओगे, आज तुम शहर खैरुल बशर जाओगे। भाई मेराज, मेराज एक कलाम और पढ़िए, कलाम और पढ़िए, आ जाइए आ जाइए, एक कलाम की और गुजारिश कर रहा हूँ, तमन्ना कर रहा हूँ, ख्वाहिश कर रहा हूँ कि ये मौसम बेताब है आपके लिए, आपसे गुफ्तगू करना चाहता है मेराज आज़मी साहब। मतलब माइक पर बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत अच्छा प्यारा कलाम लेकर आए, साफ सुथरा कलाम आपके दरमियान पेश कर रहे हैं मेराज आज़मी साहब। नाम अहमद पे जो भी फिदा हो गया, नाम अहमद पे जो भी फिदा हो गया, क्या बताऊं कि वो क्या से क्या हो गया, बेशक, वाह 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 वाह, क्या से, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। नाम अहमद पे जो भी फिदा हो गया, क्या बताऊं वो क्या क्या कैसे क्या हो गया, बहुत जिसके अच्छे दिल में समाया है इश्क नबी, जिसके दिल में समाया है इश्क नबी, उसका दिल आईना आईना हो गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साहब, वाह वाह वाह, आईना हो गया, बहुत अच्छे साहब। लब पे जब आ गया नाम सल्ले अला, लब पे जब आ गया नाम सल्ले अला, रहमत और नूर का सिलसिला हो गया, रहमत, बहुत अच्छे, वाह वाह, सिलसिला हो गया, बादशाहों ने भी मेरी ताजीम की, बेशक बादशाहों ने भी मेरी ताजीम की, बादशाहों ने भी मेरी ताजीम की, जब से मैं उनके दर का गता हो गया, जब से मैं उनके दर का गता हो गया,
مقتا ملاحظہ فرمائے، ہدایت کیجیے۔ نام حق لے کے معراج میں جو اٹھا، نام حق لے کے معراج میں جو اٹھا، بحر ظلمات میں راستہ ہو گیا، بحر ظلمات میں راستہ ہو گیا۔